प्रांजल? मुझे क्या हुआ है? लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों? तुम तो आज लंदन जा रही थी ना? हाँ प्रांजल, हम लोग वापस जा रहे थे। इनफैक्ट मैं और नानी फ्लाइट भी बोर्ड कर चुके थे, तभी हमारे लिए अनाउंसमेंट हुई कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। एक पल के लिए तो प्रांजल, ये किस तरह का मजाक है प्रांजल, प्लीज आइंदा से ऐसा मजाक मत करना। क्यों नानी, चौक गई ना आप? आपको लग रहा है मैं क्या देख रही हूं? वेल, ये इन दोनों की कहानी में एक नई शुरुआत हो रही है। अब आप मुझे देखकर भी शॉक्ड होंगी। वेल, आपकी फ्लाइट में अनाउंसमेंट मैंने ही करवाया था, और वो झूठ था, और वो झूठ ही पलक और प्रांजल को मिलवा सकता था, उन्हें एक कर सकता। नानी, मैं बदल गया हूं। मैंने भाई से माफी मांग ली और अब आपसे भी माफी मांगता हूं। सो विल यू फॉरगिव मी? अब मैं समझ गया, ये सब दक्ष ने किया। वो जानता था कि मैं तुम्हें रोकना चाहता और वो यही चाहता था कि मैं तुम्हें रोकूं। अब आप ही बताइए, मैंने जो कुछ भी किया वो ठीक किया ना? हाँ दक्ष। दक्ष, तो क्या अब भी आप मुझसे नाराज हैं? नहीं नहीं। कम। ओ, तो ये सब तुमने किया? I'm sorry पलक, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं। मैं हर हाल में तुम्हें जाने से रोकना चाहता, क्योंकि तुम्हारे बगैर भाई जी नहीं सकता। Because he loves you much more than his own life. ये लड़का पूरा पागल है, लेकिन है बहुत अच्छा, है ना प्रांजल? लाइए, मैं सामान गाड़ी में रखता हूँ। Brother, can I have the keys? Sure. Thanks. मैं भी साथ चलती हूँ, इन दोनों लवबर्स को जरा अकेला छोड़ दे। Yeah, yeah, why not? Enjoy. चलो। इतना प्यार करते हो मुझसे, फिर भी मुझे जाने दे रहे थे? तकदीर और किस्मत की बात कर रहे थे ना तुम? मैं गलत था पलक, तुम सही कह रही थी। हमारी किस्मत ही हमारा प्यार है, बाकी सारी बातें बेकार। I love you, Palak.